तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग में नंबर फॉर्मेटिंग या कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। कल की क्लास में आपने देखा किस तरीके से हमने आपके सामने फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में आपके साथ हमने डिस्कस किया। आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग का। नंबर फॉर्मेटिंग इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट है? क्योंकि नंबर फॉर्मेटिंग से ही हम एक्सेल में बहुत सारे चीजों को फॉर्मेट करेंगे, क्योंकि एक्सेल में डेटा को कम फॉर्मेट करना होता है, नंबर्स को डेट टाइम करेंसी सब नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसी चीज पे आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने और देने का काम। तो नंबर फॉर्मेटिंग मतलब कि आप अगर कुछ लिखे कुछ और आपका विजुअल कुछ और हो, ध्यान रखिएगा, मैं लिखना कुछ और चाहता हूं और विजुअल होना कुछ और चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे चेक नंबर लिखा, तो जानते हैं कि चेक नंबर में जनरली क्या होता है, नंबर होता है। इस पर मैं अभी आता हूं आपके साथ चेक नंबर पे। ये 00 एक्सेप्ट करता है सिंगल कोड डालने पे। ऐसा क्यों होता है हम आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले हम नंबर की कुछ बेसिक फॉर्मेट के बारे में बात कर लें। अब जो आपका जनरल फॉर्मेट होता है, मतलब जैसा जनरल है उसी तरह का जनरल फॉर्मेट है, मतलब जैसा टाइप है सेम फॉर्मेट इज कॉल्ड जनरल फॉर्मेट। नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा नंबर में आपके सामने आता है कि माइनस क्या होना चाहिए, ये आता है आपके सामने कि नेगेटिव वैल्यू में रेड हो जाए, ये ब्राइटनेस में आ जाए और ब्राइटनेस के साथ रेड भी हो जाए। ये आपकी नेगेटिव का होता है, ये आपका थाउजेंड का प्लेट होता है, ये आपका डेसिमल प्लेसेस होता है, बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ये नंबर के ऊपर होता है। जैसा सेलेक्ट करेंगे उसी तरह का यहाँ पे नंबर आपको दिखेगा। करेंसी में सब कुछ सेम होता है, बस यहाँ पे आप अपनी करेंसी कोड लगा सकते हैं, जैसे कि INR हो गया या फिर करेंसी का सिंबल भी इसमें है। आपके पास अगर विंडो 8 या विंडो 10 है तो आप जो है आपके पास रुपीज का सिंबल है और रुपीज का सिंबल आपको यहाँ दिख जाएगा। लेकिन आपके पास विंडोज 7 है तो उसमें नहीं देख पाया, ऐसा इसलिए क्योंकि ये 2011 में लॉन्च हुआ था रुपीज का सिंबल और विंडो 8 उससे पहले आया था। तो जो विंडोज 7 यूज करने वाले हैं उनको ये फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल से इंटरनेट से आप अपने फॉन्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ करेंसी में आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या है कि जस्ट करेंसी या करेंसी का सिंबल या करेंसी को जैसे कि INR आप दे सकते हैं, एक करेंसी कोड हो गया। लेकिन इसका यूज हम एक जगह और करते हैं, कहाँ करते हैं चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमें कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उस नंबर में कहीं कहीं पे आप देख रहे हैं जीरो है। अब जीरो जहां जहां है उसे खोजना पड़ रहा है, हम कलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के कलर नहीं करना चाहते, तो आप यहां पे एक काम और कर सकते हैं कि फॉर्मल सेल पे आप चले जाएं कहां पे नंबर पे, और नंबर पे आप यहां नंबर नहीं यहां अकाउंटिंग पे, और अकाउंटिंग में यहां आप कर दे नन, इसको कर दे जीरो, देन ओके। तो आपके सामने यहां दिख रहा है तो ये अब डैश जो हो गया, अब उसको जान लीजिए कि जो डैश हुआ है ये आपका नंबर जो है डैश में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसकी विजिबिलिटी कन्वर्ट हुई है। एक्चुअल में आप देखेंगे जीरो है, क्योंकि किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग किसी भी तरह के नंबर को चेंज नहीं कर सकता, ओरिजिनल को चेंज नहीं कर सकती, विजुअल चेंज कर सकती है। तो यहां पे विजुअल चेंज हुआ है, ओके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी चीजें हैं उसके एक बार देखते हैं। उसके बाद आपके सामने आता है डेट। आप जो भी डेट डालते थे, मैं कोई डेट डाला और उसकी फॉर्मेट मेरे हिसाब से नहीं है,
तो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए आप जो है डेट में आए और अपने हिसाब से जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि अलग अलग कंट्री का अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो आप अपने हिसाब से उस कंट्री का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। जैसे हमने हिंदी कर लिया तो यहाँ पे हिंदी आ जाएगा, ये चीजें कर सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर आपने टाइम दिया हुआ है तो टाइम को भी आप अपने हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। टाइम हिंदी सिलेक्ट है इसलिए अगर आप यूएस सिलेक्ट कर ले तो इंग्लिश यूएस है, तो यहां पे फॉर्मेट आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम 54 घंटे 20 मिनट 33 सेकेंड टाइप हमने कर दिया, 54 घंटे 20 मिनट एंड 33 सेकेंड हमने टाइप कर दिया, अब एक गलती से आपका जनरल फॉर्मेट निकला हुआ। तो इससे अगर आप डेट का फॉर्मेट टाइप करते हैं तो इससे ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ये डेट लिया तो 24 आवर से आपका डेट आगे नहीं जाएगा। तो 24 आवर से जानने के लिए आपका एक ही फॉर्मेट है 37, 30 एंड 65, इसको लीजिए एंड ओके कीजिए तो आपको यहां दिखेगा। ठीक है, तो डेट एंड टाइम की फॉर्मेटिंग समझ में आ गई आप लोगों को? अबाज जी, सुशील जी, हाँ सर, आगे चलिए आगे बढ़े जी। अब इसमें अगला ऑप्शन हमारा आता है, वो आता है नॉर्मल चीजें हैं जैसे कि परसेंटेज, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन, जो कल मैंने बताया था आपको कि अगर पॉइंट से दिया हुआ है तो अपॉइंट में लाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि हमने हाफ लेवल सिलेक्ट कर लिया से 1/2 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप अगर मान लीजिए कि इसको ले लिए तो आप 2.4 आ जाएगा, उसी हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगला जो आप देखेंगे वो आपका आता है साइंटिफिक, में कोई खास नहीं है, टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है वो एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि आपने यहां देखा कि मुझे चेक नंबर टाइप करना था, तो चेक नंबर जनरली 6 डिजिट का होता है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ 4 डिजिट होते हैं, आगे में 2 जीरो लगे होते हैं, अगर 2 जीरो डाल दिया तो 0 एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको हम सिंगल कोड में 00 1 2 3 6 देना होता है। सिंगल कोड में हमने डाल दिया तो इसने अटैच कर लिया। अब मुझे पूरे कॉलम में चेक करना है, चेक डालना है, तो पहले से ही सिंगल कोड क्या है, तो जो सिंगल कोड आप देख रहे हैं वो सिंगल कोड कहा जाता है कि आपने उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ देखिए अलर्ट भी दिख रहा है ना, अब इसे क्लिक करेंगे बताएगा कि नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट, नंबर को आपने टेक्स्ट स्टोर किया, तो पूरे के पूरे आपका जो पूरा का पूरा ये है कॉलन है, उसमें हमें अगर हमें डालना है सिर्फ टेक्स्ट तो क्यों ना हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें और फॉर्मेट फील्ड में जाके इसको हम टेक्स्ट में कवर कर लें। अब ध्यान रखिएगा कि मैंने टेक्स्ट अप्लाई किया, इसके बाद जो हम टाइप करेंगे वो टेक्स्ट होगा। अब मान लीजिए कि हमने यहां पे पहले से अप्लाई कर दिया हुआ है, अगर इसको हमने राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में टेक्स्ट कर दिया तो नंबर ही रहेगा सर, टेक्स्ट नहीं होगा जब तक इसको फिर से वापस एंट्री ना किया जाए। फिर एंट्री किया तभी तो लगा ना, एंट्रीफाई कर लिया इसने, इस पर ध्यान रखिएगा। तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाने के बाद क्या होता है कि इस पर किसी भी तरह का मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, यहां तक कि कोई फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला आपका अप्लाई तो होगा बट परफॉर्म नहीं करेगा। अगर चेक नंबर की बात कर रहे हैं तो अभी आप टाइप कर रहे हैं करते समय इसका ध्यान रखेंगे और टाइप कर लेंगे, लेकिन किसी ने आपको चेक नंबर दे भेज दिया है उसने उसमें 0 नहीं लगाया, अब मुझे इसके आगे जितना डिजिट कम है उतना डिजिट इसके आगे जोड़ना है। क्या जोड़ना है हमें इससे इसका आगे उतना डिजिट जो है जोड़ना है, 0 जोड़ना है। तो इसके लिए हम सिंपल आएंगे कस्टम पे जाएंगे
और यहाँ पे हम 60 है तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 डाल दें, अब यहाँ 0 लग जाएगा। ओके, ऐसे मान लीजिए मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर में जब आप +91 लगाते हैं, नंबर डालते हैं, तो इस तरह का मैसेज आता है। ऐसा क्यों आता है बताएंगे सर? प्लस को इक्वल की तरकीब करता है ऐसे कुछ। प्रवीण जी आप बताइए, प्रवीण जी आप बताइए सर, प्रवीण जी से पूछ जानना चाहेंगे हम। 10 डिजिट का पहले से ही होगा कस्टम में? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। अब बात यह बताइए सर, वो प्लस की वजह से उसने ऑलरेडी एज अ फॉर्मूला ले लिया उसको। हाँ, अब्बास जी ने बिल्कुल करेक्ट कहा है सर, बिल्कुल कर दिया आपने। क्या था कि जब हम कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं ना, फॉर्मूला जो स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मूला को इक्वल से स्टार्ट किया जाता है, हम प्लस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लस से स्टार्ट करने पे ऑटोमेटिक उसने क्या किया, इक्वल यहां ले लिया। तो जब +91 लिखते हैं तो एक्सेल को समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, एडिशन कर रहा है। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे 12 डिजिट डाल भी देते हो फिर भी यहाँ पे दिक्कत होगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि मैं यहाँ +91 लू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम 0 डाल दो। अब मैं सिर्फ इसमें नंबर डालूंगा, +91 ऑटोमेटिक ले लेगा। 91 के बाद गैप देना जरूरी है? नहीं, कस्टम है, आप अपने हिसाब से दीजिए, नहीं देना जरूरी नहीं है सर। वो यूनिवर्सल कस्टम है, +9 के बाद गैप देना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दे या ना दे, कंट्री कोड है ना वो इसके लिए। उसी तरह से मान लीजिए आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, और अकाउंट नंबर जब भी आप नंबर टाइप करते हैं 9 10 11 तक आपका परसेंट दिखता है। जैसे आपने यहाँ पे 12 नंबर टाइप किया, ये साइंटिफिक फॉर्मेट में खुला जाता है। तो इसको नॉर्मल कैसे लाए, तो सिंपल है। क्या सिंपल है कि इसके ऊपर हम कस्टम में जाएंगे और सिर्फ एक हैश यूज कर देंगे, आप जीरो लगा दीजिए आओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एक कहां तक दिखेगा, 13 14 15 देखा। जैसे 16 नंबर हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 नंबर जो आपका है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। और बात भी आप बताइए ऐसा क्यों हुआ? कंटिन्यूएशन जो है वो जीरो को कंसीडर कर रहा है इसके लिए। नहीं, तो आप बिल्कुल धन्यवाद है। चलिए कैप्टन गांधी जी बताइए, आप सबसे उसकी लिमिटेशन है सर, 15 डिजिट की लिमिटेशन, जैसे डेट की थी ना 1990 वाली, वो इसकी 15 डिजिट की लिमिटेशन। की लिमिटेशन है आपके पीसी की लिमिटेशन है या कंप्यूटर की या एक्सेल की लिमिटेशन है? सर आपकी कंप्यूटर के लिमिटेशन है या एक्सेल की लिमिटेशन? एक्सेल, एक्सेल। गलत किया सर, आपकी कंप्यूटर की लिमिटेशन है 15 डिजिट से ऊपर की कैलकुलेशन नहीं कर पाता। ओके, सुपर कंप्यूटर क्यों बनाता सर? हमारा सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है सर? जीके क्वेश्चन है सर, इंडियन सुपर कंप्यूटर का नाम किस क्या है? परम, परम 2 आया है। अब इसी में देख लीजिए, इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिख रहा है सर? इसके बारे में कुछ भी दबा रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना? ओके, तो ये कैलकुलेटर का लिमिटेशन है। जी हाँ, ठीक है।
16 डिजिट का लिमिटेशन कि 15 का है? 15 का है एक्सेल में सर, 16 उसके बाद जीरो जाता है, उसके बाद जितना नंबर डालेगा वो आपका ए हो जाएगा, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर जो हमारा होता है वो क्या होता है, बिट में होता है, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करता है। उसकी पूरी और डिटेल में जानना है तो फिर इसकी जो है एल्गोरिथम को आपको गूगल पे जाकर पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। फिलहाल अगर आपको टाइप करना है, जस्ट नंबर टाइप करना है, तो सिंगल कोट लगाइए और आप 32,767 करेक्टर पेस्ट कर सकते हैं, बट नॉन कैलकुलेटिव। अगर इसमें आपने कुछ कैलकुलेशन कर दिया तो 15 डिजिट के बाद वो आ जाएगा 0000, समझ गए? ये कैलकुलेटर में भी ये प्रॉब्लम होती है। सुपर कंप्यूटर सर क्यों बनाया गया था? सर सुपर कंप्यूटर बनाया गया था ताकि हम एस्ट्रोलॉजी जो हमारे जो स्पेस का जो ये है आपका कैलकुलेशन है जो स्पेस का अस्तों का जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन कर सके, स्पेस टाइम की कैलकुलेशन, मंगल सूरज और बाकी दूरी, उसकी गति, उसकी स्पीड, ये सब चीजों की कैलकुलेशन करने के लिए सुपर कंप्यूटर बनाया गया है सर। बना बैंकिंग के लिए इतना 15 डिजिट इतना जरा उससे बड़ा अमाउंट थोड़ी होता है, समझ में आ गया? तो सर इसमें जैसा कि आपने बताया, क्योंकि अभी इसमें फिर अगर कोई बड़ा नंबर डालना है तो वो ही घुमा फिर रखे कि हमारे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तभी वो नंबर डाल सकते हैं, एंड फॉर्मूला यूज नहीं करना है फिर उसके लिए। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास नंबर्स काफी बड़े डिजिट में आ जाते हैं, जब उसको एक्सेल कहीं से लेते हैं वहां से किसी और सॉफ्टवेयर से आपने डाउनलोड किया और एक्सेल में या कॉपी पेस्ट किया इंटरनेट से भी, तो यहाँ पे पेस्ट होते ही वो बाकी के 0-0 कर देता है। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि आप पहले पेस्ट करने से पहले उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, राइट, और उसके बाद फिर इसमें पेस्ट एज ए वैल्यू करें, नॉर्मल कॉपी पेस्ट ना करें, क्या करें, पेस्ट एज ए वैल्यू, समझे कि नहीं? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे ही देता हूं, क्योंकि ऐसी फोन मुझे काफी सारी आती रहती है। जैसे कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नंबर है, ठीक है, ये नंबर मान लीजिए कि इसी को मैं रिपीट कर देता हूं, आपका नोट पैड में आपका नंबर मिला, आपने इसको कॉपी किया और आपने क्या किया, अपने एक्सेल में आया और एक्सेल में आपने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया सर। और पेस्ट करने से क्या हुआ, दिख गया सर 0000 में आ गए। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई, तो क्या करेंगे इसके लिए सर, आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, फॉर्मेट टेल टेक्स्ट, टेक्स्ट, और फिर इसमें आप पेस्ट करें, हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें होती रहती है, समझ गया? एज अ वैल्यू बोल रहे थे आप, टेक्स्ट एज अ वैल्यू पेस्ट करने का है, पेस्ट एज अ वैल्यू, कभी कभी इसमें इमेज वगैरह होता है ना जिसमें हमें पेस्ट एज अ टेक्स्ट, यहां दिखता है ना टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है, क्लियर है? ओके, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आगे जो आपको पढ़ना है, उस आगे की टॉपिक को पढ़ने से पहले एक आर्टिकल आपको पढ़ना होगा। ये आर्टिकल मेरा नहीं है, ये आर्टिकल जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन आगे का जो कस्टम फॉर्मेटिंग का टॉपिक है उसको करने से पहले इसको थोड़ा सा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबको मेल करता हूं, आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, ओके, ठीक है।
फिर हम बात देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे चल के जो आप VVMI को प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो VVMI को प्रोग्रामिंग में नंबर की जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो कस्टम के थ्रू ही होगी। ये दिख रहा है सर ये आर्टिकल है यहाँ से इसको स्क्रैच कीजिएगा तो पूरा दिख जाएगा। तो मैं ये आर्टिकल क्या करता हूँ कि चैट पे डाल देता हूँ आप लोग कॉपी कर लीजिए ठीक है डाल दो सर चैट पे हाँ डाल दीजिए मोबाइल वाले भी उसको लिंक कॉपी करके उसको कॉल कर लीजिएगा क्या बोलते हैं उसको ऐड कर लीजिएगा अपने बुकमार्क ओके सबने ले लिया जी एक ही जी सुनाई दिया और भी बहुत सारे जी है हाँ सर हो गए दो हो गया तीसरा ले लिया चौथा भी हो गया आत्मा हो भी हो गया ठीक है तो अगली क्लास हमारी है एडवांस सिस्टम फॉर्मेटिंग बट ये लिंक जब आप इस लिंक को इस आर्टिकल को देख लेंगे उसके बाद हम आपको अगली क्लास में आएंगे क्योंकि अगली क्लास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा कोडिंग के टाइप का होगा तो ये आप समझ जाएंगे तभी मैं आपको समझा पाऊंगा ठीक है इसको देख लीजिएगा मिलते हैं कल की क्लास में ओके बाय थैंक यू सर थैंक यू सर